हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सटाइल काजल पंड्या में आपका स्वागत है। आज मैंने हेयर वॉश किया इसलिए मेरे बाल ऐसे हैं, क्योंकि वो थोड़े थोड़े गीले अभी मेरे बाल। आज सैटरडे है और आज गुरु पूर्णिमा है। एवरी सैटरडे द्वीज को स्कूल में एक्टिविटी होती है, सो एक्टिविटी के दौरान एवरी सैटरडे मोस्टली व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्रैक उसका यूनिफॉर्म होता है। एक मैसेज मैं आप सबको देना चाहती हूँ। चांदीपुरा वायरस करके आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है, तो अपनी बच्चों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को डिहाइड्रा, फिर वॉमिटिंग, फेवर वो सब होता है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास चले जाएं। बार बार उनके हैंड वॉश कीजिए, क्योंकि बच्चे क्या होते कि बार बार अपने मुंह में हैंड डालते अपने मुंह में हाथ डालते, उनकी आदत होती है, तो बार बार हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करती हूँ कि द्वीज को टी शर्ट पे और ट्राउज़र पे ना ओडोमॉस रोल ऑन आता है बच्चों का, वो मैं लगा देती हूँ, तो क्या होगा कि उससे प्रोटेक्ट मिलेगा मच्छरों से। तो बच्चों को जितना हो सके एनिमल से दूर रखिए, गंदगी वाले एरिया से भी दूर रखिए। तो आज मैंने मम्मा को मना कर दिया कि मेरा टिफिन मत बनाना, क्योंकि आज देवर्षी मैम और अंकित सर की ओर से पार्टी है, बर्थडे पार्टी। बर्थडे तो 2 वीक पहले थी, केक भी काट दिया, सेलिब्रेशन भी सब हो गया, लेकिन पार्टी आज है। तो दोपहर के लंच में हम सब लोग जाएंगे होटल में खाना खाने। आज एक पार्सल आने वाला है द्वीज के लिए, जो मैंने नायका से मंगवाया है, वो द्वीज के लिए सरप्राइज है। उससे पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। ये देवर्षी मैम है। हेलो। उनकी ओर से पार्टी है आज। हम लोग आए यहाँ पे शान मॉल में, और ऊपर 3rd फ्लोर पे है रेस्टोरेंट। हम लोग आए हैं यहाँ पे की गुड रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि पहले पेमेंट करना होता है, फिर बाद में हम होटल में एंट्री हमें मिलेगी खाने के लिए, जो अनलिमिटेड फूड है।
टोटल 101 आइटम है, मैं खा पाऊंगी क्या? इतनी सारी है, आधी मुंह से जाएगी और आधी नाक से लेनी पड़ेगी। बहुत टेस्टी फूड है। खाना बहुत टेस्टी था, सारी आइटम मैंने थोड़ी थोड़ी करके खाई है, पेट बहुत ही भर गया, मुझे नहीं लगता शाम को मैं खाना खा पाऊंगी। पर पर्सन 370 रुपीज़ है, पर प्राइस भी रिजनेबल है। टेस्ट के हिसाब से जैन फूड भी अवेलेबल है, प्योर वेज थाली वो भी अनलिमिटेड। एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए, जो पंजाबी और गुजराती फूड खाने के शौकीन है, खास करके गुजराती फूड, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है ये होटल। मैं अपने कलीग के साथ गई थी तो हम सब ने मिल के बहुत एंजॉय किया, बहुत साथ में बैठ के हंसी मजाक किया। लाइफ में अच्छे दोस्त होना बहुत ही ज़रूरी। अभी शाम के 7 बजे है और हम सब जा रहे हैं मेडिकल स्टोर, बीच की टूथपेस्ट खत्म हो गई है वो लेने के लिए। मैंने आपको बताया था कि पार्सल के पीछे एक स्टोरी है। पार्सल में मैंने मंगवाया है चीकू के लिए साबुन नाने के लिए। पहले क्या था कि जब मैं उसके हेयर वॉश कर रही थी ना, तो वो पहले डरता था क्योंकि कहीं शैम्पू आंखों में ना चले जाए, अगर आंखों में चला गया तो मुझे आंखों में बहुत जलन होगी, इसी वजह से वो हेयर वॉश नहीं करवाता था। अगर करवाता तो मैं ज़बरदस्ती करवाती थी हेयर वॉश। तो एक दिन फिर वो एक बार मैंने उससे समझाया कि जो शैम्पू है ना वो आँख में चला जाएगा ना, फिर भी तुझे जलन नहीं होगी, वो ऐसा शैम्पू है। तो धीरे धीरे वो समझा, फिर उसके बाद वो अभी हेयर वॉश करवाता है मेरे पास। अभी उसे हेयर वॉश करना अच्छा लगता है। फिर थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि नहाते वक्त साबुन आँख में चला गया था, तो उसकी आँख में थोड़ी सी जलन हुई थी, तभी से वो मुझसे, तब उसने मुझे मुझसे बात की मेरे साथ और बोला कि जैसे तूने मेरे लिए शैम्पू मंगवाए तो ऐसा वो साबुन मंगवा दो ना जो मुझे आँखों में ना लगे। तो वो तब से वो हर रोज़ मुझे याद कर रहा था, मम्मी आपने वो साबुन मंगवाया, मम्मी आपने वो साबुन मंगवाया। तो फिर मैंने उसी कंपनी का जॉनसन्स बेबी सेम प्रोडक्ट्स का ही मैंने साबुन ऑनलाइन मैंने मंगवाया। अभी मैंने उसे बताया नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि साबुन आ गया है। अभी घर जाके मैं उसे बताऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगा। सो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। Bye.